फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्टिल ऑर्डर के प्राइमर का रिव्यू, जिसको मैंने रिसेंट में यूज करना स्टार्ट किया और मुझे इसके बहुत ज्यादा ऑसम रिजल्ट मिल रहे हैं। तो मुझे लगा आपके साथ भी मुझे इसको शेयर करना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं एक ऐसा प्राइमर जो कि बहुत अच्छे से वर्क करे, आपके जो फाउंडेशन है उसको टिका के रखे एंड स्मूथ बेस लगे, लगाने के बाद ऐसे उबड़ खाबड़ टाइप बेस ना लगे। कई लोगों के साथ क्या रहता है, वो प्राइमर ही बहुत सस्ता वाला यूज कर लेते हैं। उससे क्या रहता है कि इंटायर मेकअप की जो गेम है वो ही चेंज हो जाती है, क्योंकि प्राइमर ही एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले लगाई जाती है फाउंडेशन से पहले। और प्राइमर का जो काम रहता है वो रहता है स्किन को प्रोटेक्ट करना। जो भी हम ऊपर लगाते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, कंसीलर लगाते हैं, और जो भी चीजें हम अपने स्किन के अंदर लगाते हैं वो डायरेक्टली स्किन के अंदर ना जाए, तभी हम यूज करते हैं प्राइमर को। प्राइमर जो है एक बैरियर की तरह वर्क करता है, वो पोर्स के अंदर जाके एक तरीके से सेट हो जाता है। उससे क्या रहता है, जो भी हम ऊपर अप्लाई करते हैं लाइक फाउंडेशन लगाते हैं, कंसीलर लगाते हैं, कई लोग अंडर आई एरिया के अंदर करेक्टर भी यूज करते हैं, तो बहुत ज्यादा अगर वो स्किन के अंदर चले जाएं तो मेकअप के बाद जो है स्किन जो है बहुत अगली लगने लग जाती है। पिंपल्स का इश्यू आ जाता है, ब्लैकहेड का इश्यू आ जाता है और साथ में व्हाइटहेड का इश्यू आ जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा प्राइमर अपनी वैनिटी बॉक्स के अंदर ऐड करना, जिसे लगाने के बाद आपका जो बेस है वो तो स्मूथ लगे ही, साथ में ग्रे बिल्कुल ना हो और जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं वो स्किन के अंदर ना जाए, डीपर लेयर तक ना जाए, देन आप ट्राई कर सकते हैं ये वाले प्राइमर को। तो आइए देख लेते हैं इसका क्लोजअप लुक, देन मैं बात करूंगी अपने एक्सपीरियंस के इस प्रोडक्ट को लेकर। तो आप देख सकते हैं इस तरीके की पैकेजिंग में आता है स्टिल ऑर्डर का प्राइमर। अंदर से हम बात करें तो इस तरीके की ट्यूब टाइप पैकेजिंग मिलेगी आपको। अब मैं आपको खोल के हल्का सा इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं सिलिकॉन बेस प्राइमर है ये। हम इसको मर्ज करके देख लेते हैं, बहुत इजीली मर्जेबल है ये, बहुत अच्छा लगा मुझे तो ये। तो क्लोजअप लुक भी आपने देख लिया, मैंने आपको पास से इसका टेक्सचर भी दिखा दिया। काफी अच्छा प्राइमर है ये, बहुत अच्छे से वर्क करता है। और अगर आप प्रोफेशनल मेकअप करते हैं या करवाते हैं, या फिर आप कोई पार्लर वाले हैं मेरी वीडियो देख रहे हैं, तब भी आप इस वाले ब्रांड को अपनी वैनिटी में जरूर इंक्लूड करें। और मैं आपको बता दूं, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैंने खुद ही ये सारी चीजें परचेज की हैं और मैं आपके साथ अपने चैनल के ऊपर बहुत सारे प्रोफेशनल रिव्यू शेयर करती रहती हूँ, प्रोफेशनल वीडियोज भी बनाती रहती हूँ फेशियल्स की, डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्पा की, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो यही थी बस मेरी आज की वीडियो रिगार्डिंग टू दिस प्राइमर। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि मैं जैसे ही न्यू वीडियो डालूं तो अपडेट आपको मिल सके। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ, बाय।